400-500 साल पहले की बात है एक कोई राजा दशहरे के दिन पहाड़ के अंदर बैठ के शस्त्र पूजन कर रहा था शस्त्र पूजन के बाद ऐसा माना जाता था कि यदि आपने तलवार म्यान से बाहर निकाली है तो बाद में उस पर खून लगना चाहिए वरना वो म्यान में बाहर नहीं जानी चाहिए राजाओं के टाइम में दशहरे के दिन युद्ध करने अनिवार्य हुआ करते थे भले कोई छोटा मोटा करके ऊपर युद्ध किया जाए राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है कि कहाँ युद्ध किया जाना चाहिए दुश्मन कहाँ बैठा है मंत्री उसे बताते हैं कि दुश्मन चार ठिकाने पर बैठा हुआ है उन चार ठिकानों के नाम बताए जाते हैं कि ये ये चार ठिकाने हैं जहाँ पर हम अटैक कर सकते हैं राजा पूछता है कि तुम्हारी सबकी क्या राय है वो कहते हैं कि इन तीन ठिकानों पर अटैक किया जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर दुश्मन की सेना कम है इसलिए हमारे लिए जीतना थोड़ा इजी हो जाएगा चौथा ठिकाना सबसे टफ ठिकाना है जहां पर दुश्मन की सेना सबसे अधिक है दुश्मन वहां पर सबसे अधिक चौकस होकर बैठा है दुश्मन का रसद पानी हथियार वगैरह सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात दुश्मन का जो सबसे बड़ा सेनापति है वो खुद उस जगह पर बैठा हुआ है राजा कहता कि हम इस चौथे ठिकाने पर करेंगे क्योंकि यहां पर दुश्मन के लिए तो सर्टेनिटी है कि वो पक्का जीत जाएगा पर हमारे लिए अनसर्टेनिटी है कि हमारे वहां जीतने के चांस कम है इसलिए यहां पर ज़्यादा चांस लिया जाना चाहिए क्योंकि दुश्मन निश्चिंत है वो राजा उस जगह पर अटैक करता है दुश्मन की पूरी सेना को लगभग मार देता है या अच्छा छत्तीस हजार के आसपास दुश्मन के सैनिक सरेंडर कर देते हैं उस राजा का नाम है महाराणा प्रताप वो पंद्रह का युद्ध है दिवेर का युद्ध जिसमें अकबर की पूरी सेना काट दी गई थी हम में से बहुत से लोग हल्दीघाटी युद्ध को जानते हैं उस दिवेर को नहीं जानते उस हल्दीघाटी के ठीक छह साल बाद वो दिवेर में युद्ध था मैं जब दिवेर के युद्ध का इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे दोनों चीजें लगती है मुझे लगता है कि अनिश्चितता या जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं वो कितनी शुभ सत्य और सुंदर है कि राजा ने उस समय भारत के सबसे बड़े राजा को न केवल मेवाड़ से बाहर खदेड़ दिया था बल्कि अगले चार साल में मुगलों की छत्तीस चौकियां यहां से उड़ा दी गई थी उस दिवेर के युद्ध को हम भले ही जानते व ना जानते हो एक बहुत वेल नोन हिस्टोरियन रहे जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है जैम्स्टोड उन जैम्स्टोड ने उस युद्ध के बारे में लिखा था कि वो मेवाड़ का मेराथोन है वो मेवाड़ का मेराथन है मैं जब पुनः उस मेराथोन की बात करता हूं तो वापस ईसा मसीह से भी कोई चार साल पहले ग्रीस के अंदर एक मैदान है जिस मैदान का नाम है मेराथोन वहां पर अपने ईरान का राजा अटैक कर देता है डेरियस आप जो बच्चे बैठे हैं मैं आपको बताऊं कि डेरियस वह राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया था हमारी रिटर्न हिस्ट्री यह कहती है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला राजा वो डेरियस था 515 सौ पंद्रह बीसी के आसपास उसने भारत पर अटैक किया था हालांकि हमारे भारतीय इतिहास में हमने डेरियस का नाम दिया दारा सिंह यह दारा शब्द उस डेरियस से लिया गया हमारा डेरियस जब अटैक करता है तो डेरियस की सेना बड़ी भारी सेना होती है इतिहासकार कहते हैं कि तीस हजार से लेकर एक लाख के आसपास लोग रहे होंगे उसमें उस समय ग्रीस में दो शहर हुआ करते एक शहर का नाम था एथेंस एक शहर का नाम था स्पार्टा इस्पार्टंस जिनकी आपने थ्री हंड्रेड मूवी देखी हो एथेंस वो शहर था जो पढ़ाई लिखाई जानता था जहाँ के तीन बड़े फिलोसोफर यदि आपने सुने हो तो सोक्रेटिस एरिस्टोटल प्लेटो वहां के हुए थे एथेंस पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करता था जब डेरियस एथेंस पर अटैक करता है तो एथेंस वालों को लगा यार पार नहीं पड़ेगी इस मैराथन के युद्ध में यदि हम लड़ेंगे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी इसलिए स्पार्टा वालों से सहायता मांगते हैं कि स्पाटा वालों सहायता भेजो उन दिनों में बरसात का सीजन था घोड़े चल नहीं सकते थे इसलिए एक लड़के को कहा गया कि तुम दौड़ कर जाओ भाग कर जाओ और स्पाटा वालों को कहो कि हमारा युद्ध होने वाला वो हमारा साथ देने के लिए आए उस लड़के का नाम था फिस्पिडीज वो 48 घंटे लगातार दौड़ा 150 मील दौड़ा इस पार्टन्स को जाकर उसने कहा कि आप हमारा साथ देने के लिए आइए हमारा देश एथेंस मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना से लड़ रहा है हमारे पास केवल 9000 फौजी है दुश्मन के पास कम से कम 50000 के आसपास की फौज रही होगी तो आप हमारा साथ देने के लिए आइए अपने यहाँ पे कहते भद्रा लग गई भद्रा में शुभ काम नहीं करेंगे उन्होंने कहा हम पूर्णिमा के बिना शुभ काम नहीं करते इसलिए हम नहीं आ पाएंगे एथेंस अकेला लड़ता है वो 9000 सिपाही डेरियस को उस मैराथन के मैदान में हरा देते हैं इसलिए जमस्टोट कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा दिया था उसी प्रकार महाराणा प्रताप की एक छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में और अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था इसलिए निश्चित रूप से दिवेर मेवाड़ का मैराथन है आप सबने मैराथन दौड़ नाम सुना होगा कि मैराथन दौड़ होती लंबी दौड़ों को हम मैराथन दौड़ कहते हैं उस लंबी दौड़ का नाम मैराथन दौड़ इसीलिए पड़ा क्योंकि पहली बार मैराथन के युद्ध में भाग लेने के लिए स्पार्टा को बुलाने के लिए एक लड़के ने लंबी दौड़ लगाई थी अनसर्टेनिटी से कितनी शुभ वस्तुएं निकल कर आती है हम सब मैराथन की दौड़ के बारे में जानते हैं हम नहीं जानते कि एक लड़का अपने देश को बचाने के लिए 48 घंटे में 150 मील दौड़ गया था ऑफिस पीडिस्ट था जब अनसर्टेनिटी की बात की जाती है तो मुझे एक चीनी दार्शनिक याद आते हैं एक चीनी दार्शनिक रहे जिनका नाम है लाउत् उन लाउत् का एक स्टेटमेंट है कि जीवन के रहस्यों का आनंद लिया जाए अक्सर हम लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें निश्चितता हो हमें लगे कि हाँ ये पक्का हो जाएगा यदि जीवन की रहस्यों का पता ही चल गया आगे पता ही चल गया क्या होने वाला है तो जीवन बेहद नीरस हो जाएगा कि काजोल की एक मूवी आई थी गुप्त कि गुप्त मूवी देखने के लिए गए पहला शो छूट रहा था दूसरे शो के लोग घुस रहे थे पहला शो छूट के जो लोग आ रहे थे उनमें से कोई एक चिल्लाया कि सारे खून काजोल करेगी सारे खून काजोल करेगी अब अगले तीन घंटे तक मूवी का डायरेक्टर मूवी में खूब सस्पेंस क्रिएट करता है कि मर्डर किसने किया है पर उन सबको पता था कि सारे खून कौन कर रही है काजोल कर रही है इसलिए तीन घंटे बहुत बोरिंग कटे उसी प्रकार यदि हमें जीवन में पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है तो फिर जीवन बेहद नीरस और बेरंग सा हो जाएगा हमें जब नित नए चैलेंज मिलते हैं एक और हॉलीवुड की एक मूवी है पैचेक नाम करके उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि वो भविष्य ही क्या जिस भविष्य का पहले से पता चल जाए और दूसरी बड़ी बात क्या हो सकता है भविष्य में या तो हम सफल हो सकते हैं या हम असफल हो सकते हैं दो ही चीज़ हो सकती है मैं कहता हूं यदि हम ये पता चल जाए कि आगे आने वाला भविष्य सफल है तो कोई मेहनत क्यों करेगा और यदि पता चल जाए कि आगे हम असफल होंगे तो दुख कितना लंबा हो जाएगा अब नॉर्मली क्या होता है कि हम असफल होते हैं उस समय दुख होता है हाथों तो हाथ हमें दूसरी चीजें मिल जाती है जिनमें हम सुख ढूंढ लेते हैं और उन चीजों से हम दूर हो जाते हैं यदि हमें पता ही चल जाए कि आने वाले, आने आने वाले वाला जो टाइम है उसमें भी हमें दुख मिलेगा तो दुख लंबा हो जाएगा और जर्नी कटी नहीं पाएगी इसलिए अनिश्चितता जो होती है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए अनिश्चितता भली होती है अनिश्चितता बुरी नहीं होती है अभी शतरंज का इन दिनों में खूब चल रहा था रवि भाई बैठे हैं क्रिकेट तो वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है शतरंज का अभी जब प्रज्ञानंद जीत के आए थे तब खूब बातें हो रही थी गैरकास्पोरा वो एक बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी रहे पांच बार के विश्व चैंपियन रहे वो जब पहली बार शतरंज खेलने के लिए गए थे जिस एकेडमी में गए अनातोली कापाराओ की वो अकेडमी थी वो बहुत बड़े शतरंज के प्लेयर हुए सात साल के बच्चे को उन्होंने पूछा कि तुम शतरंज क्यों खेलना चाहते हो उस नाम के उस सात वर्ष के बच्चे ने कहा क्योंकि मैं प्यादों से वजीर को लड़ाना चाहता हूं जिंदगी यह होनी चाहिए कि हमारे पास संसाधन भले ही कम हो हम बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहे अक्सर हम ज्यादातर लोग इसलिए घबराते रहते हैं कि यार हमारे पास तो ये भी नहीं है हमारे पास तो ये भी नहीं है हमारे पास तो ये भी नहीं है हम ये सब कैसे कर पाएंगे मुझे लगता है जिंदगी में कुछ भी अनिश्चित नहीं है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है यदि चौदह के आसपास में ट्रकी का एक शहर है कुस्तुनतुनिया उस कुस्तुन पे तुर्क कब्जा कर लेते हैं जब तुर्कों ने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने भारत से यूरोप जाने का जो लैंड रूट था ये लैंड रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया था जब भारत से यूरोप जाने का लैंड रूट बंद हुआ तो यूरोप में मसाले जाने बंद हो गए भारत मसाले साउथ इंडिया पूरा अपना मसालों का दिन मसाले जाया करते थे यूरोप के किसी एक शहर के अंदर कोई एक लड़का एक दिन अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी आमलेट कितना फीका लेकर आई हो तुम आमलेट इतना फीका थोड़ी होता है और मां ने रसोई में से ताना मारते हुए कहा कि इतना स्पाइसी आमलेट खाना तो इंडिया ढूंढ ले क्योंकि इंडिया से काली मिर्च मिर्सानी बंद हो गई है इसलिए अब आमलेट फीका खाना पड़ेगा वो लड़का वहां से जहाज लेकर निकलता है इंडिया तो नहीं ढूंढ पाया था पर उसने दुनिया का एक नया रास्ता खोल दिया था अमेरिका खोज देता उस लड़के का नाम था कोलम्बस अनसर्टेनिटी के अंदर कितनी संभावनाएं बसी हुई है लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है मैं जब आपको सारे पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बताता हूँ तो हमें लगता है यार सब कुछ अच्छा है पर आप में से खूब सारे लोग सोचते होंगे कि सर गलत भी तो होता है कई बार बहुत बुरा हो जाता है और हम किसी चीज़ के अंदर चले गए और उसमें हमें पता था निश्चित नहीं है हम निश्चितता को इसलिए तलाशते हैं कि हमें लगे कि यार मामला एकदम सेटल थोड़ा बैठ जाए और यदि हमने ऐसे किसी में हाथ डाल दिया और उसमें अनिश्चितता ही मिलनी है बाद में वो जो दुख होता है उसको झेल कैसे पाए मैं टीचर हूँ आज टीचर्स डे के दिन भी मैं ये सब बात जब बोल रहा हूँ तो मैं पिछले दो तीन महीनों में कोटा में या बच्चों में जहाँ कहीं और सुसाइड की समस्या देखता हूँ तब मैं बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हमें से कैसे लोग हो गए बच्चे सुसाइड कैसे करने लग गए तब मुझे लगता है कि यार बच्चों के पास में एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है पेरेंट्स आप जितने लोग बैठे हैं मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स हो अपने बच्चों पर अपनी चीजें मत थोपिए खलील जिब्रान एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए उनकी बहुत अच्छी लाइन है वो माता पिता को कहते हैं कि तुम बच्चों को प्रेम दो तुम बच्चों को आजादी दो बस बच्चों पर ज्ञान मत दो तुम अक्सर माता पिता ने अपना ज्ञान बच्चों को देना शुरू कर दिया है वो बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे वैसे ही करें इसलिए बच्चा जो फेल होता है तो उसे ये नहीं लगता कि मैं फेल हुआ उसे लगता है मम्मी पापा भी फेल हो गए हैं वो ये जो डबल वाली चीज़ें झेल नहीं पाता है इसलिए बच्चों के आसपास में सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए ताकि उस सपोर्ट सिस्टम की वजह से बच्चा सर्वाइव कर जाए उसे नहीं लगे कि उसकी जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी है वो वो जो असफलता मिली है उसको भी चैलेंज की तरह ले और उससे बाहर निकल कर आए जैसलमेर का किला 1155 सौ पचपन ईस्वी के अंदर बना कोई मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि यार जैसलमेर का किला 1155 में बना तो राजा इतने तो रुपए कहाँ से लाया एक हजार साल पहले इतने तो रुपए कहाँ से इतना बड़ा किला बनाने के लिए तो स्टूडेंट कहता सर टैक्स लिया था किस बात का टैक्स कि खेती का तो वो तो आज भी नहीं होती अपने तो उस टाइम तो एकदम भी नहीं होती होगी तो बच्चे कहते सर इंडस्ट्री से लिया होगा तो वो तो पूरे राजस्थान में भी नहीं है तो फिर कहाँ के लिया होगा कि सिर्फ व्यापार का लिया होगा जब एग्रीकल्चर में कुछ नहीं होता इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता तो व्यापार करते किसका हो तुम पर भगवान जब सारे रास्ते बंद करता है तो कोई नया रास्ता खोलता आपके लिए राजस्थान को भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी दी राजस्थान ट्रेड रूट्स पे था यदि आपको आगरा से सिंध जाना है यदि आपको आगरा से मालवा जाना है यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है यदि आपको दिल्ली से साउथ इंडिया जाना है यदि आपको दिल्ली से मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है यदि आपको पंजाब की तरफ निकलना है सब राजस्थान के बीच से होकर निकलेंगे और जब आप राजस्थान के बीच से होकर निकलोगे तो राजा उनको टैक्स देना पड़ेगा तो हमारे राजा वो एक टैक्स लिया करते सिक्योरिटी का भाई हम तुम्हें क्रॉस करवाएंगे और सिक्योरिटी का टैक्स दो तो हमारे जो व्यापारी थे यहाँ पर उन व्यापारियों ने किसी दिल्ली के व्यापारी को कहा कि तू खुद कराची सामान बेचने के लिए जाता है तू एक काम कर तू हमारे पास पहुंचा हम कराची भेजेंगे कराची का सामान तेरे पास भेजेंगे तो हमारे व्यापारी जो थे वो बड़े इस मामले में रहे मीडिएटर रहे वो इधर का सामान उधर उधर का सामान बेचते तो व्यापार बनजिए बहुत फला फूला ये अपने पाली मालपुरा कुचामन दीदवाना ये छोटे छोटे शहर थे जो उस समय बहुत बड़े बड़े अपने व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे अंग्रेज आए देश में अंग्रेजों ने आके एक, एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे से, 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 तो से दूरी पानी पानी में पचास किलोमीटर है कोई क्यों पूरा राजस्थान क्रॉस करके कराची सामान बेचने के लिए जाएगा सिक्योरिटी का थ्रेट भी खत्म होता है उधर आप समुद्र के रास्ते उधर से चले जाइए लेकिन हमारे व्यापारी कितने कलेजे वाले थे वो किसी कुचामन डीडवा मंडावा मालपुरा पाली सोजत से निकले और यहाँ से निकल के उन्होंने इंदौर सूरत कलकत्ता बॉम्बे हुबली हुगली अलग अलग जगह दुकानें खोली इतना व्यापार किया कि हमने ये स्लोगन बना दिया कि जहाँ ना पहुँचे बेलगाड़ी वहाँ पहुँच गए मारवाड़ी इसलिए यदि आप अपने आसपास में पॉजिटिव माहौल रखेंगे मैं कई बार सोचता हूं कि यार उन बाणियों ने उन व्यापारियों ने उस दिन कितना चैलेंज रहा होगा अपना घर बार छोड़ के एक नए देश में जाके बसना तब देश था जोधपुर एक अलग देश था भारत एक अलग देश था अपना देश का सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर जाना आज मारवाड़ी हर जगह है देश नहीं विदेश के अंदर है मैं और देखता हूँ कि यार अपने बड़ के तो अनसर्टेनिटी के माहौल में रहे पश्चिमी राजस्थान में एक साल बाजरा होता था अगले चार साल नहीं हुआ करता था उसके बावजूद अपने बढ़ के ये क्षेत्र छोड़ के तो नहीं गए वो इसी जगह पर बैठे रहे और हम इन छोटे छोटे चैलेंज से घबरा जाते हैं कि पेपर में फेल हो गया तो क्या होगा तो के कोई इलाज नहीं है इन तो वालों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा हम अक्सर डरते हैं और डर जब लंबे समय तक रहता है तो एंग्जाइटी में बदल जाता है फिर आपको नींद नहीं आती है आपको सो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम होती है मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई बच्चा कहता है कि सर नींद नहीं आती डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई लेता हूँ मुझे लगता है यार इस उम्र में भी नींद नहीं आती इस उम्र में या आप किसी भी उम्र के अंदर फिर एक राजस्थानी का दवा है कि नींद ना वह तीन जन कहो सकी थे क्या कि तीन लोगों को नींद नहीं आती एक सखी दूसरी सखी से पूछती है कि वो तीन कौन कौन हो सकते हैं तो वापस जवाब देती है कि प्रीत बिछोया बहु रीणा या तो किसी का ब्रेकअप हो जाए उसको नींद नहीं आए या किसी पे कर्जा चढ़ जाए बहुत ज्यादा उसको नींद नहीं आए या किसी को बेर लेना हो बाप का उसको नींद नहीं आए बाकी कैसे हो सकता है कि हमें नींद नहीं आए इसका एकमात्र कारण है कि हम घबराते ज्यादा हैं तो इन घबराहट से बाहर निकलेंगे तब चीजें बहुत सुंदर होगी बहुत शुभ होगी बहुत सत्य होगी इन घबराहट से इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे हम देखेंगे कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया है हमें जिंदगी के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा हम अक्सर उन चीज़ों को कोसते रहते हैं जो हमें नहीं मिल पाया जबकि लाउथ से पुनः कहता है परिवर्तन संसार का नियम है हमें परिवर्तन के साथ में बहना पड़ेगा पत्ते जैसे हवा के साथ में बहते हैं वैसे बहना पड़ेगा अपने और एक मारवाड़ के बहुत बड़े लोक देवता हुए कवि हुए बहुत बड़े ईसरदास जी नाम करके उन ईसरदास जी का बहुत तो एक स्लोगन मुझे याद आता है कि ईसर झोड़ा ईसर जो, घोड़ा झोंकियान महासागर रह माए कोई तारण हारो तार तारशीर साई पकड़ी बाए ईसर ने अपने घोड़े महासागर के अंदर झोंक दिए हैं अब जो होगा उसके बाद देखा जाएगा अब मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ इसलिए अनिश्चितताओं की चिंता नहीं करनी अनिश्चितताएँ अच्छी होती है आप जब अनिश्चितताओं के अंदर निकलोगे तब किसी महाराणा प्रताप की तरह तब किसी फिश पीडीज़ की तरह तब किसी मारवाड़ी व्यापारियों की तरह तब कोलंबस की तरह इतिहास बना पाएंगे या अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे इसलिए जो टॉपिक था मुझे खूब अच्छा टॉपिक लगा मैं अभिमान इंस्टीट्यूट का भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का टॉपिक लेकर आए इन दिनों में जब बच्चों के आसपास में सारी चीज़ें चलती रहती है तब लेकर आए और अनिश्चितताएँ कितनी अच्छी होती है उसका एक खुद खुद उसका एक एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ मैं 2012 से पढ़ाता हूँ एक वेल नोन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूँ जिसमें भारत का लीडिंग इंस्टीट्यूट है हम तीस हज़ार ऑफलाइन बच्चे हैं हमारे पास सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए और मैं 2012 से पढ़ा रहा था हम ऑफलाइन पढ़ाते थे हमारे क्लासरूम होता उसमें बच्चों को पढ़ाते हमारे खूब सारे सलेक्शन होते आर एस की जो वैकेंसी आती उसमें ज़्यादातर सलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ करते हमारा ठीक चल रहा था हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें ऑनलाइन आना चाहिए और यदि हमें कोई कहता है कि तुम्हें ऑनलाइन आ जाओ तो हमें लगता है कि यार पढ़ाई ऑनलाइन थोड़ी होती है पढ़ाई का मतलब उपनिषद उपनिषद का मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना गुरु के पास बैठकर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ ही नहीं होगा फिर एक दिन अचानक कोरोना आया कोरोना ने सब कुछ बंद किया और कोरोना ने कहा कि अब तुम ऑनलाइन पढ़ाओ मेरा जो वो पहला के सामने बोला जाए कैमरे के सामने देख के कैसे हंसा जाए क्या पता कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा इसको उसका परिणाम यह है उस दो साल के कोरोना का परिणाम यह वो कितनी अनिश्चितता थी जब लग रहा था कि दुनिया में अपनी जॉब चली जाएगी बंद हो जाएंगे वो हो जाएंगे अब मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पहचान जाते हैं और मुझे कहते हैं यार आप तो वही हो ना जिनके वो वीडियो वायरल होते हैं या ये होता है या मुझे कई बार पेरेंट्स आके कहते हैं कि बच्चे तो क्या पता देखे नहीं देखे हम आपके वीडियो पक्के पक्के देखते हैं या मुझे एक दिन एक स्टूडेंट ने आके कहा कि हमारे गांव की महिलाएं चौथ की कहानी आप वाली कहानी से सुन लेती है तो मुझे लगा यार अनिश्चितता ने अपने लिए कितने रास्ते खोल दिए थे वरना पहले हम डर ही रहे थे तो इस डर को बाहर निकालेंगे अनसर्टेनिटी को स्वीकार करेंगे भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा हम ज्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे धन्यवाद आप सब लोगों ने बोलने का मौका दिया आपने सुना